तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। आ 10% सुनिए ना, आ 10% अपर कास्ट का पहले से है, जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है, और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई। बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किए जाने पर सहमति दे दी गई। अब इस तरह बिहार आरक्षण बिल 2023 को विधानमंडल से पास कराया जाएगा। इसके लिए 9 नवंबर को दोनों सदन के पटल पर इस आरक्षण बिल को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने बैठक में 94 लाख से अधिक गरीबों को स्वरोजगार के लिए मुफ्त 2 लाख रुपए सतत जीविकोपार्जन योजना के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। कैबिनेट में पीएम आवास के लिए भूमिहीन परिवारों को अब जमीन खरीदने के लिए 60,000 की जगह 1 लाख रुपए देने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट से पास बिल में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़कर 75% हो जाएगी और पहले के 40% की जगह अब 25% सीटें सामान्य वर्ग के लिए होंगी। सदन से इस बिल के पास होने के बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC को 25% आरक्षण मिलेगा। वही अन्य पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति यानी कि SC को 16% आरक्षण की जगह 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वही अनुसूचित जनजाति यानी ST को पहले से मिल रहे 1% आरक्षण की जगह 2% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा के दौरान कहा कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के लिए इसी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक रिपोर्ट बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए जाने के बाद इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी। केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इसी तरह पूरे देश में जनगणना कराई जाए ताकि लोगों की जातीय सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके। अगर केंद्र सरकार भी इस तरह के आंकड़े इकट्ठा कर सके तो उनको योजनाएं तैयार करने में फायदा मिलेगा। सदन में चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। आ 10% सुनिए ना, आ 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75 तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा, लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए दूसरी ओर BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार के आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण के दायरे बढ़ाने के जिस प्रस्ताव को लेकर सदन में आई है भाजपा उसका समर्थन करेगी। भाजपा जब भी सत्ता में रही तब भी उसने आरक्षण का समर्थन किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले साल जब NDA की सरकार थी तब राज्य में जाति गणना कराने का निर्णय लिया गया और इसकी शुरुआत की गई, जिसका आज फलाफल देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गणना रिपोर्ट को डिजिटल रूप से सार्वजनिक करनी चाहिए सरकार को, ताकि लोग भी इसे देख सकें और जान सकें। सम्राट चौधरी ने कहा कि BJP जब भी सरकार में रही तब आरक्षण देने की आवश्यकता हुई तो BJP इसके समर्थन में खड़ी रही। मंडल कमीशन के दौरान जब BP सिंह सरकार को आरक्षण में भाजपा के समर्थन की जरूरत थी तब BJP ने मदद किया। बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने जब अति पिछड़ों को आरक्षण दिया तब भी भाजपा के MLA ने समर्थन किया। बिहार में जब NDA की सरकार बनी तो पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया गया। भाजपा का साफ संदेश है कि सरकार आरक्षण बढ़ाए जाने का प्रस्ताव लाएगी तो BJP उसका समर्थन करेगी। विधानसभा के विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार की आरक्षण का दायरा बढ़ाने की नीयत और नीति साफ होनी चाहिए, केवल लटकाने और भटकाने की नीति नहीं चलेगी। हालांकि BJP के इस समर्थन देने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव
यादव ने कहा कि भाजपा ने मजबूरी में जातीय गणना रिपोर्ट का समर्थन किया है। रिपोर्ट के बाद कौन सी जाति का क्या आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, इस रिपोर्ट से सबको सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का निश्चय था कि जाति गणना किया जाए। नहीं, सबसे पहले मैं देश को, बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी, यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। हालांकि देखना होगा कि जिस दांव को नीतीश कुमार ने बिहार में चला है, राष्ट्र स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि देश की सियासत में चर्चा जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।